और अब बात गोरखपुर की, जहां से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां दहेज के लिए एक महिला को जिंदा जला दिया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला राजघाट इलाके का है, जहां ससुराल वालों ने महिला को जिंदा जला दिया। महिला को जिंदा जलाने का ये घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अब इस महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। वहीं महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए जिंदा जलाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बता दें कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा होने से साफ तौर पे सबूत मिल चुके हैं अपराधियों के खिलाफ कि कैसे एक महिला को आग लगाई जाती है, उसे धक्का देके घर के बाहर निकाल दिया जाता है। दहेज के लोभियों ने एक महिला को जिंदा जला दिया। 90% जली महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इलाज के दौरान उस महिला की मौत हो चुकी थी। इन तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि कैसे दो आदमी महिला के ऊपर मिट्टी का तेल डालते हैं और फिर आग लगा के उसे धक्का देके घर के बाहर निकाल देते हैं। तो गोरखपुर से ये दिल दहला देने वाली खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। और हमारे साथ महिला आयोग की तरफ से संगीता तिवारी जुड़ चुकी हैं। संगीता जी, स्वागत आपका लाइव टुडे में। गोरखपुर से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये वीडियो हम देख रहे हैं, साफ इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे उस महिला को आग लगा के धक्का देकर के घर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या कहेंगी आप इस पर? बहुत ही निंदनीय घटना है। मेरे संज्ञान में अभी ये मामला आया है तुरंत जी, और बहुत निंदनीय घटना है। इसके जो दोषी होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगी मैं जी। ये मेरे कार्य क्षेत्र में तो नहीं है जी, जी। लेकिन मैं अपने अध्यक्ष को, अपने उपाध्यक्ष को बता चुकी हूँ, उनके संज्ञान में आ चुका है मामला। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगी। संगीता जी, इस तरह की जो तस्वीरें होती हैं वो समाज की मानसिकता दर्शाती हैं कि किस तरह की मानसिकता पुरुष रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो एक महिला को जिंदा जला देंगे और बच भी जाएंगे इस चीज से। नहीं बचेंगे, एकदम गलत सोच है इनकी। मेरे संज्ञान में अभी मामला आया, बिल्कुल नहीं बचेंगे, कड़ी से कड़ी सजा इनको मिलेगी जी। संगीता जी, ये तो ये मामला जो हम देख रहे हैं, ये तो वो मामला है जिसमें साफ तौर पे साक्ष्य दिख गए हैं। कैमरा ऐसी जगह पे प्लेस्ड था कि उस कैमरे से आप बचने की गुंजाइश नहीं है, चेहरे एकदम साफ आ गए हैं। लेकिन ये वो केसेस हैं जिन केसेस में कोई सबूत नहीं मिलता, जो रजिस्टर नहीं होते, ऐसे भी तमाम केसेस होते हैं। ऐसा नहीं है, केस हम लोग के पास आता है और मैंने बहुत से केस हैंडल किए हैं जो सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने निकलवाया। और इस वक्त जो महिला आयोग में काम हो रहा है, ऐसा काम कभी नहीं हुआ। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, ये जो घटना हुई है जी, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ऐसे में पुरुष सोचते हैं कि मैं बच जाऊंगा, बिल्कुल नहीं बचेंगे जी। बिल्कुल, बहुत उम्मीद होती है लोगों को महिला आयोग से कि वो इस मामले में सख्त और पुरजोर कदम उठाएंगी। फिलहाल धन्यवाद संगीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो गोरखपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे थे, कैसे एक महिला को जिंदा जला दिया जाता है दहेज के लोभियों से। खबर आ रही थी कि इस महिला से 5 लाख रुपए की दहेज की मांग उसके ससुराल वाले कर रहे थे, जिन्हें पूरा ना करने पर उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। जी।